सबसे पहले आसान सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस बेल आइकन पर हमारे लेटेस्ट सॉल्यूशन सबसे पहले देखने के लिए क्लिक करना है। दोस्तों, आज का ये वीडियो न केवल टेली यूजर्स के लिए हेल्पफुल है बल्कि सभी कंप्यूटर यूजर्स के लिए बहुत ही काम का वीडियो है, तो आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में टेली के अंदर प्रिंटिंग से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के बारे में बताने वाला हूं, जो कि हम टेली यूजर्स के लिए बहुत ही कॉमन समस्याएं हैं और मतलब डेली ही आती रहती हैं ऐसी समस्याएं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे रिपोर्ट जिनमें कॉलम ज़्यादा या बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको पोर्ट्रेट कागज़ यानी कि सीधे कागज पर ठीक से प्रिंट कर पाना संभव नहीं है, उनको टैली से लैंडस्केप कागज के ऊपर कैसे प्रिंट करेंगे, और यदि लैंडस्केप पर भी वो प्रिंट नहीं आए तो फिर ऐसे रिपोर्ट्स को हम कैसे ठीक से प्रिंट कर पाएंगे, इसका समाधान आज इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रिंटिंग प्रॉब्लम्स को समझने के लिए सबसे पहले हम टैली के अंदर एक कॉलमनर रिपोर्ट ओपन करेंगे। चलिए, इसके लिए हम सेल्स रजिस्टर को कॉलमनर मोड में ओपन कर लेते हैं। आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए डिस्प्ले पर जाएंगे, डिस्प्ले पर एंटर करेंगे, उसके बाद अकाउंट्स बुक्स और उसके बाद सेल रजिस्टर। आप DAS शॉर्टकट भी टाइप कर सकते हैं सेल रजिस्टर में आने के लिए, और जिस भी मंथ में आपकी एंट्रियाँ हैं उस पर आप आ सकते हैं। जैसे मैं फरवरी मंथ में आ जाता हूँ, एंटर करेंगे। फरवरी मंथ के बाद आप यहाँ राइट हैंड साइड में देख सकते हैं F5 कॉलमनर के लिए है। आप या तो F5 प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से या फिर यहाँ कॉलमनर बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं उसको यहाँ यस करते जाइए और लास्ट में आकर के आपको एंड ऑफ लिस्ट करके एंटर प्रेस करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने एक कॉलमनर रिपोर्ट आ गई है। कॉलमनर रिपोर्ट का मतलब है कि सारे लेजर्स अलग अलग खुल करके आपके पास आ गए हैं, सबका अमाउंट अलग अलग आ रहा है, बिल नंबर वगैरह, डेट वगैरह सब कुछ आ रहा है। अब यहाँ से हम प्रिंट करेंगे इस रिपोर्ट को, तो आप देखेंगे क्या प्रॉब्लम हमें आती है प्रिंट करते टाइम। तो प्रिंट करने के लिए हम प्रेस करेंगे Alt+P या फिर प्रिंट वाला बटन हम क्लिक करेंगे। जैसे मैं इस बटन को क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद आप यहाँ देखिए आपका यहाँ विद प्रीव्यू लिखा होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो राइट हैंड साइड में यहाँ Alt+I वाला बटन है, इसको क्लिक कर दीजिए, विद प्रिंट प्रीव्यू शो हो जाएगा। उसके बाद आपको एंटर बटन प्रेस करना है प्रीव्यू देखने के लिए। अब आप जूम करेंगे इसको, क्योंकि आपको ढंग से दिख नहीं रहा है इसलिए जूम करेंगे। जूम बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ, Alt+Z इसकी शॉर्टकट होती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रही है। पेपर साइज A4 है और इसने दो पार्ट कर दिए हैं, पेज नंबर 1A और पेज नंबर 1V। तो ये हमारा जो राउंड अप वाला कॉलम है ये पेज 1V पे चला गया है। अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमारे दो पेज प्रिंट होंगे, जिससे हमको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अब इस रिपोर्ट को हम ठीक से कैसे प्रिंट कर सकते हैं? अगर हमें ठीक से प्रिंट करना है तो हम इसे पोर्टलैंड की जगह लैंडस्केप पर प्रिंट करेंगे, तो ये ठीक से हमारी प्रिंट हो जाएगी। अब देखते हैं कि हम लैंडस्केप कैसे कर सकते हैं। लैंडस्केप करने के लिए एक बार हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद दोबारा आप प्रिंट वाला बटन प्रेस करेंगे और यहाँ आपको प्रेस करना है सेलेक्ट प्रिंटर। सेलेक्ट प्रिंटर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के बिल्कुल राइट कॉर्नर में, ये है Alt+S इसकी शॉर्टकट की है। सेलेक्ट प्रिंटर बटन को मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ प्रिंटर्स के नाम आ रहे होंगे, जो भी आप प्रिंटर सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये पूरी विंडो खुल गई जिसके अंदर प्रिंटर सेटिंग होती है। अब इस प्रिंटर सेटिंग के अंदर आपको यहाँ देख सकते हैं पोर्ट्रेट की जगह आपको लैंडस्केप सेलेक्ट करना है। इससे आपकी प्रिंट अब लैंडस्केप आएगी। यहाँ पेपर साइज सेलेक्ट कर लीजिए, मैं A4 साइज यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये लैंडस्केप प्रिंट होगा, यानी कि अब आड़े कागज पर ये रिपोर्ट आ जाएगी आपकी। इसको ओके कीजिए। ओके करने के बाद हम प्रिंट प्रीव्यू को देख लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू हमारा ऑन है और एक बार एंटर हम प्रेस करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि सारी रिपोर्ट मेरी एक ही पेज पर आ चुकी है। पेज नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है और नीचे भी पेज 1 of 1 यहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई भी पेज इसके अंदर नहीं है। अब बात करते हैं कि जब हमारी रिपोर्ट
लैंडस्केप पेज पर भी नहीं है, तो उस केस में हमको क्या करना है, चलिए देखते हैं। दोस्तों अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ F5 करके कॉलमनर करके कुछ कॉलम्स को ऑन कर दिया है, जिससे मेरे कॉलम्स काफ़ी बढ़ गए हैं अब इस रिपोर्ट के अंदर। अब इसको हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। पोर्ट्रेट पर तो ये प्रिंट होगी नहीं, अब लैंडस्केप पर प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। LP करेंगे, LP करने के बाद सेलेक्ट प्रिंटर करेंगे, सेलेक्ट प्रिंटर करने के बाद प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पेपर साइज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ ऑलरेडी आपके पेपर साइज आ ही रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आपको पेपर साइज सेलेक्ट करनी है और उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम प्रिंट को यस करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा लैंडस्केप मोड में भी प्रिंट नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ दो पेज क्रिएट हो गए हैं, page 1A और page 1B, तो ये हमारी प्रिंटिंग ठीक से नहीं हो पाएगी लैंडस्केप के अंदर। अब हम इसको कैसे प्रिंट करेंगे वो देखते हैं। तो इसके लिए हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। अब एक्सपोर्ट भी हम PDF में भी कर सकते हैं और एक्सेल में भी कर सकते हैं। तो पहले PDF वाला फॉर्मेट देखेंगे जो ईजी है थोड़ा सा। तो यहाँ हम नो करेंगे, नो के लिए एन बटन प्रेस करेंगे, इससे हम यहाँ लैंग्वेज में आ गए हैं। उसके बाद फॉर्मेट में हम PDF सेलेक्ट करेंगे और जो लोकेशन जहाँ पर ये एक्सपोर्ट होने वाली है वो लोकेशन यहाँ डालेंगे। आप अपनी मैनुअल भी डाल सकते हैं, जो भी लोकेशन आप डालना चाहते हैं वहाँ ये PDF फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद PDF फाइल का नाम, उसके बाद पेपर साइज़। अब पेपर साइज़ दोस्तों अगर आप A4 डालेंगे तो काम नहीं होगा, यहाँ आपको डालनी है A3। A3 पेपर साइज डालेंगे और यहाँ A3 में भी आपको लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट यस करना है और उसके बाद एंटर प्रेस करना है। कंट्रोल A करेंगे एक साथ सबको सेलेक्ट करने के लिए, उसके बाद एंटर करेंगे और एक बार एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से दोस्तों ये PDF फाइल आपकी क्रिएट हो चुकी है और आप अब देख सकते हैं आपका सारा काम केवल एक ही पेज पर आ गया है, एक ही पेज पर ये आ गई है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये तो A3 पेज है लेकिन हम A4 में कैसे प्रिंट करेंगे। तो दोस्तों PDF से फाइल अगर आपके पास है तो आपकी वो फाइल चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो आप A4 में प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे और प्रिंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन होता है फिट, यहाँ पेपर साइज़ होती है। पेपर साइज़ के लिए प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं मेरा A4 साइज़ सेलेक्ट है, यहाँ मैं ओके कर दूंगा और यहाँ मेरा ऑप्शन फिट सेलेक्ट है। तो ये दोस्तों A4 साइज़ में इस शीट को इसने पूरा फिट कर दिया है। अब मैं जैसे ही प्रिंट बटन दबाऊँगा तो मेरी ये रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी। तो आपने देखा कि PDF से प्रिंट करना कितना आसान है। कोई भी बड़ी रिपोर्ट है, कोई भी कॉलमनर रिपोर्ट है जो आपकी A4 साइज़ के कागज़ पर प्रिंट नहीं हो रही है तो आप PDF में उसको एक्सपोर्ट करके आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। अब हम ये सेम मेथड देखेंगे एक्सेल के थ्रू। दोस्तों इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव तो आपको एक्सेल के इस फीचर से रूबरू करना है जो मैं आपको टैली के माध्यम से बताने वाला हूँ कि कैसे हम एक्सेल के अंदर बड़ी बड़ी शीटों को A4 साइज़ कागज़ के लिए फिट करते हैं। तो टैली में हम ये जो शीट है इसको मुझे A4 साइज़ पर फिट करना है एक्सेल के अंदर, तो सबसे पहले मुझे इस शीट को एक्सपोर्ट करना होगा एक्सेल के अंदर। तो मैं एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ नो बटन प्रेस करूँगा इस मेन्यू को यूज़ करने के लिए, एंटर बटन करेंगे। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है एक्सेल स्प्रेडशीट, एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद लोकेशन जहाँ पर आप इस शीट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोकेशन डालेंगे, उसके बाद फाइल का नाम, फिर शीट का नाम और उसके बाद एंटर आपको प्रेस करना है। कंट्रोल A करेंगे सारे ऑप्शंस को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए, एंटर करना है, उसके बाद एक बार एंटर और एक बार और एंटर करेंगे तो आपके कुछ सेकंड्स में आपकी एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी। दोस्तों आपकी एक्सेल फाइल ओपन हो चुकी है, यहाँ से मैं इसको जूम कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, तो ये आपकी एक्सेल फाइल है जो वहाँ से एक्सपोर्ट हुई है टैली से। तो अब मुझे इसको प्रिंट करना है, आप एक बार यहाँ फाइल में आएंगे, फाइल में आने के बाद प्रिंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ प्रिंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका प्रिंटर है। अब आप देख सकते हैं ये A4 में नहीं आ रहा है, इसको लैंडस्केप पर करने की कोशिश करते हैं, लैंडस्केप में भी ये नहीं आ रहा है, पेपर साइज़ मेरा A4 ही होना चाहिए।
उसके बाद थर्ड ऑप्शन है नॉर्मल मार्जिन्स। अब मार्जिन्स भी कम करके देखते हैं, नैरो में कर देता हूँ बिल्कुल, तो मार्जिन से भी ये काम नहीं चल रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे मार्जिन देखने के लिए, चलिए थोड़ा सा मार्जिन और कम कर देते हैं इसको खिसका के, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अभी भी ये नहीं आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास नो स्केलिंग, इस पर क्लिक करना है आपको। दोस्तों आपको अब सारे कॉलम्स को एक साथ फिट करना है, तो फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज इस पर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों आपके सारे कॉलम एक ही पेज पर A4 साइज पर फिट हो गए हैं। इसी तरह अगर आपके रोज़ ज़्यादा होती तो हम ये रोज़ वाला ऑप्शन यूज़ करते, और आपके दोनों ही ज़्यादा होते तो हम फिट सीट ऑन वन पेज पर क्लिक करते हैं, तो ये आपका टोटल इस तरह से फिट हो जाता। तो ये तो था बहुत शॉर्टकट मेथड जो आपका एक्सेल के अंदर है। कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमें इसको मैनुअल भी करना पड़ता है, तो हम मैनुअल कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मैनुअल करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ ऑप्शन होता है व्यू के अंदर पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू में आपकी ये जो बॉर्डर्स होती हैं इनको आप आगे पीछे खिसका के पेज को सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ किया है, तो अब ये हिस्सा मेरा पेज वन पर प्रिंट होगा और ये हिस्सा पेज टू पर प्रिंट होगा। तो मैं इसको खिसका कर यहाँ कर लेके आऊँगा, तो ये अब पूरा का पूरा पेज वन पर मेरा प्रिंट होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने एक्सेल के दो फीचर आपके साथ डिस्कस किए। एक तो व्यू के अंदर पेज ब्रेक प्रीव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एक बार अच्छे से आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कॉलम्स है जो कि आपके, मैं रिपीट कर देता हूँ। अब मेरी इस एक्सेल शीट में बहुत सारे कॉलम हो चुके हैं, मैं इनको पेज ब्रेक प्रीव्यू वाले मेथड से आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, पहले व्यू के अंदर जाएंगे, फिर पेज ब्रेक प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये एरिया है जो आपका पेज नंबर वन पे प्रिंट होने वाला है। मुझे चाहिए कि मैं पूरे एरिया को पेज नंबर वन पर ही प्रिंट कर लूँ, तो इस लाइन को पकड़ के आपको लास्ट तक खींचना है। अब आपका ये पूरा पेज नंबर वन बन चुका है, अब ये सारा के सारा आपका पेज नंबर वन पर प्रिंट होगा। इसी तरह से अगर रोज़ की बात करूँ तो मैं रोज़ भी बढ़ा लेता हूँ, मेरी कॉपी मैं करूँगा यहाँ से और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद अगेन पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद अगेन पेस्ट कर देता हूँ। इस तरह से मेरी रोज़ अब बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। अब मैं आपको फिट करके दिखा रहा हूँ। व्यूज़ में जाएंगे, उसके बाद पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाएंगे, ओके करेंगे। दोस्तों ये एरिया मेरा पेज वन पर प्रिंट होने वाला है और बाकी का पेज टू पर। मैं चाहता हूँ पूरा मैं पेज वन पर प्रिंट कर लूँ, तो इसको मैं खींच करके नीचे लास्ट तक लाऊंगा। अब ये पूरा पेज नंबर वन पर प्रिंट होगा, आप देख सकते हैं। प्रीव्यू करके फाइल में जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे और प्रीव्यू आप देख सकते हैं। ये प्रीव्यू में आपको सारी की सारी शीट एक ही पेज पर ठीक तरीके से फिट हो गई है, जो शायद आप इस मेथड के थ्रू यहाँ पर क्लिक करके नहीं कर सकते थे। तो ये दोनों ऑप्शन मैंने आपको बताए कि आप एक तो सेटिंग में डायरेक्टली कर सकते हैं फिट, और एक व्यू मेन्यू के अंदर जाकर के पेज ब्रेक प्रीव्यू से भी फिट कर सकते हैं। दोस्तों एक और चीज़ जो छूट गई है, एक्सपोर्ट में जब आप PDF सेलेक्ट करते हैं तो PDF में आपको यहाँ पेपर साइज लिखी आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि खुद की कोई पेपर साइज डालना चाहें आप, तो यहाँ यूज़र डिफाइंड आपको करना है, और उसके बाद यहाँ विड्थ और हाइट MM में आपको डालनी है, और उसके बाद ओरिएंटेशन आपको सेलेक्ट करना है, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। तो आप खुद की साइज भी डाल करके इसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिर वहाँ से इजीली A4 साइज में प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बड़ी बड़ी कॉलमनर शीट्स को आप A4 साइज पर कैसे फिट करके प्रिंट निकाल सकते हैं, टैली में हो चाहे फाइल एक्सेल में हो। अगर टैली में है तो उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करके निकाल सकते हैं, यदि ऑलरेडी एक्सेल में है तो आपको सारे ट्रिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।